नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। उज्जैन का प्रसिद्ध नागचंद्रेश्वर मंदिर वर्ष में सिर्फ एक ही बार दर्शन देते हैं भगवान, क्या है इसके पीछे राज? दोस्तों, हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा करने की परंपरा रही है। हिंदू परंपरा में नागों को भगवान का आभूषण भी माना गया है। भारत में नागों के अनेक मंदिर हैं, इन्हीं में से एक मंदिर है उज्जैन स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर। यह उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक दिन नागपंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को ही दर्शनों के लिए खोला जाता है, और ऐसी मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं मंदिर में रहते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है। इसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती बैठे हैं। कहते हैं कि यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्प संहिया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिवजी, गणेश जी और माँ पार्वती के साथ 10 मुखी सर्प संहिया पर विराजित है। शिव शंभु के गले में और भुजाओं में भुजंग लपटे हुए हैं। क्या है पौराणिक मान्यता? सर्पराज तक्षक ने शिव शंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमरत्व का वरदान दिया। मान्यता है कि उसके बाद से तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया, लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी यही मंशा थी कि उनके एकांत में विघ्न ना हो। अतः वर्षों से यही प्रथा है कि मात्र नागपंचमी के दिन ही वे दर्शन को उपलब्ध होते हैं। शेष समय उनके सम्मान में परंपरा के अनुसार मंदिर बंद रहता है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति किसी भी तरह के सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। इसीलिए नागपंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर में बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ था। सभी की यही मनोकामना रहती है कि नागराज पर विराजे शिव शंभु की उन्हें एक झलक मिल जाए। लगभग 2 लाख से ज़्यादा भक्त एक ही दिन में नागदेव के दर्शन करते हैं। नागपंचमी को दोपहर 12 बजे कलेक्टर पूजा करेंगे। यह सरकारी पूजा होगी। यह परंपरा रियासत काल से चली आ रही है और रात 8 बजे श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा पूजन होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।